अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है पर्थ में, जहां पे वो फर्स्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। अभी आज उन्होंने आज प्रैक्टिस सेशन किया खैर, एंड है कि काफ़ी ज़्यादा खैर उसमें इंगेज नज़र आ रहे थे, एक्टिव नज़र आ रहे थे हमारे तमाम प्लेयर्स, बमा हमारे हेड कोच मोहम्मद हफीज़ साहब के, एंड सईद अजमल एंड उमर गुल साहब भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा इंगेज थे। जो हमारे फील्डिंग कोच हैं वो भी है कि फील्डिंग करा रहे थे, फील्डिंग ड्रिल्स काफ़ी ज़्यादा है कि प्लेयर्स ने की, इंटेंस थी वो। एंड देन इसके बाद जो बैटिंग एंड बॉलिंग प्रैक्टिस की गई तमाम ऑलमोस्ट तमाम प्लेयर्स की जानिब से, मतलब बैटर्स ने भी बॉलिंग कराई है एंड बॉलर्स ने भी बैटिंग की है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है वो ट्रेनिंग सेशन किया गया है, आज हेल्ड हुआ है। और तो जो पिच हमें अगेन है कि प्रैक्टिस के लिए दी गई है वो इतनी ज़्यादा मुझे नहीं खैर ग्रीन लगी या इतनी ज़्यादा बाउंसी नहीं लगी। तमाम टैक्टिक्स ऑस्ट्रेलिया यूज़ कर रहा है पाकिस्तान को रिसीव करने के लिए ऑन द रियल डे, मतलब जो मैच का दिन होगा उस दिन पे। बट खैर है, चलो देखा जाएगा इंशाल्लाह जो होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स अच्छा करेंगे वहाँ पे, स्पेशली हमारे बैटर्स एंड बॉलर्स भी, क्योंकि बॉलर्स फ्रेंडली कंडीशंस तो लग रही हैं तो बॉलर्स को करना चाहिए भाई, एंड बैटर्स भी अगर थोड़ा सा तरीके से खेलेंगे तो दे कैन ऑल्सो डोमिनेट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। एंड खैर इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा गेस्चर भी शो हुआ है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, कि उन्होंने एक मुख्तलिफ एक है कि अलग स्टैंड भी पाकिस्तान बे के नाम से उन्होंने है कि वहाँ पे लगाया जाएगा, मतलब एक स्टैंड को मखसूस कर दिया जाएगा पाकिस्तान फैंस के लिए, जिसे पाकिस्तान बे का नाम दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के साथ ही होगा। एंड कुछ रैली भी मार्च की जाएगी, मतलब जब टेस्ट स्टार्ट होगा उससे पहले है कि रैली भी मार्च होगी, तो उसमें भी फैंस को है कि शिरकत की दावत दी गई है। साइम अयूब एंड हसन अली इंगेज हुए थे इन सब में, कि भाई फैंस को जो है कि उन्होंने बुलाया था कि भाई फैंस कैन जॉइन दैट रैली। एंड खैर इसके अलावा ये जो स्टैंड होगा पाकिस्तान बे, जो पाकिस्तान के स्पेक्टेटर्स के लिए मखसूस होगा, वो फर्स्टली तो अल्कोहल फ्री होगा, दैन उधर हलाल एंड देसी फूड्स भी है कि अवेलेबल होगा। सो इट्स अ नाइस गुड गेस्चर बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आई थिंक। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे हम जो अब मैच खेलेंगे पर्थ में, और जो हमने पहले मैच खेला था प्रैक्टिस मैच हमने कैनबरा में, उनकी और इसकी पिच के हवाले से भी खैर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि पिच बहुत अलग होगी, कंडीशंस बहुत अलग होंगी। और है कि आज मोहम्मद हफीज़ ने भी खैर मीडिया कॉन्वर्जेशन की, उन्होंने भी इस हवाले से बात की, खैर हम बात करेंगे उस पर बट नेक्स्ट वीडियोज़ में। खैर अभी वसीम अकरम के हवाले से बात कर लेते हैं कि भाई वसीम अकरम ने भी इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया है कि कैनबरा के बारे में या ऑस्ट्रेलियन टूर के बारे में बात करना इज़ टू अर्ली, ही सेड के ऑल्सो शान मसूद ने 200 स्कोर किया है एंड उन्हें ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे, बट है कि इट्स टू अर्ली कि आप कैनबरा की परफॉर्मेंस पे आप कहो कि पर्थ में भी हम अच्छे खेलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खैर कड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान की पूरी टीम के लिए, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टूर होगा, क्योंकि पर्थ की पिच बहुत ही ज़्यादा बाउंसी होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, एंड है कि नॉर्मली खैर उसका ये बिहेवियर है, और अब जो ड्रॉप इन पिच लगी है उसका बिहेवियर मज़ीद है कि मतलब इसमें मज़ीद है कि आप ज्वाइन कर लें कि मज़ीद पेस होगा, मज़ीद बाउंस होगा इस पिच में। तो खैर वसीम अकरम साहब का यही कहना था कि कॉन्फिडेंस बेशक मिलेगा शान मसूद को एंड बैटिंग साइड को, कि उन्होंने ऑलमोस्ट 400 रन स्कोर किए थे, बट स्टिल है कि जो पिच है पर्थ की वो टोटली डिफरेंट है, कैनबरा के में जो कंडीशंस थी वो टोटली डिफरेंट थी, दैट्स वाई आप नहीं कह सकते कि कैनबरा में आपने खेला या अच्छी परफॉर्मेंस दी तो वही है कि आपको हेल्प करेगी आपके जो प्रैक्टिस मैच सॉरी आपका जो एक्चुअल मैच है उसमें, क्योंकि कंडीशंस इज़ टोटली डिफरेंट। और है कि इसके अलावा खैर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ चांस होगा, टफ चैलेंज होगा पाकिस्तान टीम के लिए, बट दे कैन ओबियसली दे कैन दे हैव टैलेंट एंड इंशाल्लाह दे विल फेस दिस चैलेंज आई थिंक एंड पास कर जाएंगे, दैट्स व्हाट आई थिंक भाई पास कर जाएंगे हमारे बैटर इस चैलेंज को। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।